हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अनीता और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मज़ेदार रेसिपी, पालक पनीर, जो सभी खाना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो देखते हैं इसे बनाते कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक धो के ले लिया है। ये अराउंड एक गड्ढी है पालक की, तो मैंने यहाँ पे पानी गरम करने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है। अब हमें ये पालक इसमें डाल देना है। हमें पालक को बॉईल नहीं करना है, हम इसे बस 2 से 3 मिनट तक पानी में रख के ब्लांच कर लेंगे ताकि इसमें जो हल्की सी स्मेल आती है वो चली जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पालक ब्लांच हो चुका है और काफ़ी हरा भरा लग रहा है। अब मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल के इसे छान लूँगी। अब हमें इसे ठंडे पानी में या टैप वाटर के नीचे रखना है थोड़ी देर के लिए। अब हमें एक मिक्सी जार में ये सारा पालक डाल देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च डाल के मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। अब मैंने पालक को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हरा लग रहा है। अब गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे और उसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। अब हमें इसे भून लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक बारीक काट के ले लिया है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी बारीक काट कर इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हमें इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स करना है और अच्छे से इसे चलाते रहना है ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ये सारा मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। अब हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक की प्यूरी जो हम लोग ने ग्राइंड कर ली थी। पालक की प्यूरी अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें चलाते रहना है। अब हम मिक्सी जार में ही थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने पसंद से पानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें पकने देना है। अब ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे धीरे धीरे करके चलाना है ताकि पनीर के टुकड़े ना हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देती हूँ ताकि इसका हरा कलर ऐसे ही रहे। अब हमें सबसे लास्ट में इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे फिर से कुछ देर तक लो फ्लेम में पकाना है। तो इस तरह से हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब इस पालक पनीर को मैं ऊपर से फ्रेश क्रीम डालकर गार्निश कर देती हूँ। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ और राइस के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया हुआ लाल बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।